अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। कल जो हमने केक बनाया था वो मैंने आपको कहा था ना कि उसको ठंडा होने चाहिए, फिर उसको हम हार्ट शेप के कुकी कटर के साथ काटेंगे, ठीक है, जो ये मैंने किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप या तो एक छोटा सा होल कर दीजिए या फिर आप एक पाइपिंग बैग लीजिए जिसमें वो फिलिंग मैंने आपको अंडे की सफ़ेदी के साथ और चीनी और कॉर्न सिरप के साथ बनाना सिखाया था वो अंदर पाइप करिए ताकि अंदर वो हो, ठीक है। फिर उसको ठंडा करने रख दीजिए। उसके बाद जो गनाश है वो ऊपर डालेंगे, ऊपर से आप थोड़े हार्ट्स डाल दीजिए, स्प्रिंकल्स डाल दीजिए, पाइपिंग बैग में अलग सी कोई चॉकलेट लेके ऊपर ड्रिजल कर दीजिए। एनीथिंग यू कैन डू वॉट एवर टू दिस, ये आपके टाइनी चॉकलेट केक्स हो जाएंगे, इससे छोटे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आज की रेसिपी, अब आप सोचेंगे कि ये क्या है ज़ारनक, सब कुछ बना के रेडी करके आज रखा हुआ है। नो, आई एम गोइंग टू मेक इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो। सिर्फ इस डो को एक से दो घंटे ठंडा करना है वरना नहीं बनेगा, ठीक है। ये बीच में हार्ट्स और ये बिस्किट्स जो हैं वो मैं काट के रख देती हूँ अवन में, जैसे ही निकलेंगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। चिकन और बेबी कॉर्न, ये होता है बेबी कॉर्न, ये आपको फ्रेश भी मिलता है सब्जी वाले के पास या आपको टिन में भी मिलता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसको काटेंगे, इसलिए अभी मैंने पहले इसको साबुत रखा था। आप मकई भी डाल सकते हैं इफ यू डोंट हैव बेबी कॉर्न। एक ट्रे में रख देती हूँ अवन में ताकि ये बेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम आपको काट के दिखाएंगे कैसे वो रोल्स मैंने बनाए थे, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये करना ज़रूरी है बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे, काम बहुत सारा हमारा पेंडिंग भी है। अब मुझे कौन याद दिलाएगा कि बिस्किट्स निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, इस डो को बना के हम यूज़ करेंगे आज आइसिंग शुगर, ईटिंग प्योर की एक्टिव फूड्स वालों की, और हम ये बना के डो को ठंडा करेंगे। फिर दो किस्म के डोज हैं, एक पिंक करेंगे थोड़ा सा रंग जिससे हार्ट बनाएंगे पिंक या रेड, और दूसरा डो बिल्कुल ठंडा करेंगे। पिंक वाला जो डो है उसको बेलेंगे, छोटे से कुकी कटर से हार्ट्स निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके बीच में कैसे रखेंगे वो आपको हमने सिखाना है। एक रोल सा बना दीजिएगा जिसको आप बीच में से ऐसे करके काटेंगे तो फिर ये हार्ट शेप आ जाएगा, ठीक है। इसको फ्रीज करके काटना ज़रूरी है वरना ये नहीं कटेगा, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आप कोई भी दूसरा शेप रख सकते हैं, स्टार्स या कोई भी एनीथिंग, कोई भी आपके पास कार्टून कैरेक्टर्स के कुकी कटर्स हों उससे भी बहुत अच्छा बनता है, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सो उनको हम डेडिकेट करते हैं आज का शो, लॉट्स ऑफ हार्ट्स। बहुत सिंपल डो है, बेसिक कुकी का डो है ये, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बेसिक कुकी के डो के साथ आप इसको बनाइए और आप एंजॉय करें। अच्छा जी, अब लेट्स डू द हार्ट्स एट दैट ऑल्सो, बिकॉज इसको भी मुझे करना है ना आपके सामने। चलिए मैं यहाँ सारी चीज़ें ले आती हूँ। यहाँ इसको रखते हैं पहले और बनाते हैं। नाउ दो तरीके हैं, या तो आप छोटे से छुरी या कपकेक कोरर से आप काट लीजिए और उसमें आप भर दीजिए, या आप उसके अंदर डालिए। सो लेट्स डू इट, ये भी कर देते हैं। अभी कैंची में ले आऊं, बहुत छोटा सा एक टिप लीजिएगा उसमें, ये आप पूरा पाइपिंग बैग में वो वाइट वाला जो मैंने सिखाया था आपको कल वो भर दीजिएगा, ठीक है, और फिर आप इसका टिप, इसका एज जो है, एंड जो है वो काट लीजिएगा, और अब ये गिरना शुरू हो जाएगा हर जगह। आप इसके अंदर पूरा पोक कर दीजिए और इसको भर दीजिए इंजेक्शन, ठीक है, समझ आ गया। ये कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, सो डोंट वरी। बड़ी सी टिप भी मिलती है आपको, इसको काट के करना है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये आप लीजिए, इसको मैं कहाँ रखूं, ये आप लीजिए, इसको आप थोड़ा सा पीछे से काट लीजिए ऐसे करके, ठीक है, और आप इसमें फिर भर लीजिए, इसको इसमें आप इसको भर लीजिए, फिर गणेश के साथ इसको आप कवर कर दीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, जब आप इसको खाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया है। जब अंदर से ओजिंग आउट ये मज़ेदार सा स्टिकी सा एक आइसिंग फ्रॉस्टिंग टाइप होगा, और फिर हाउएवर यू वांट टू मेक इट, ठीक है। मैंने आपके लिए, लोगों के लिए आसानी की है। ऐसे बड़े पाइपिंग टिप्स भी मिलते हैं जो अंदर आप उसको वो कर सकें, क्या कहते हैं उसको,
इंसर्ट करके लाइक एन इंजेक्शन आप उसके अंदर डाल सकें. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये अंदर जाना ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाट वील डू. अगर आपके पास कोई शार्प छोटी सी छुरी हो तो उससे आप काट के इसका अंदर का ये निकाल दीजिए और इसके हार्ट के अंदर बीच में सेंटर में ये भर दीजिए. जैम भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू. छोटी सी छुरी लीजिएगा, मैंने भी बड़ी साइज की छुरी ले ली. पूरा थ्रू एंड थ्रू नहीं कट जाए, ये याद रखिएगा. ओके, अब ये हो गया. अब आप इसमें सब में ये भर दीजिए और फिर आप इसको दोबारा ठंडा करिए. ठीक है, स्टिकी सा हो गया है बिकॉज ये फ्रिज में रहा है और ठंडा हुआ है, तो अच्छा है क्योंकि अभी इसके ऊपर हम गनाश डालेंगे. गनाश को दोबारा मुझे गर्म करना पड़ा इसलिए कि गनाश वॉज कोल्ड और सेट. इसमें हमने यहाँ से भर दिया था. इसमें ये होता है उप्स के कटता नहीं है. इसमें आप ऐसे ही जस्ट पोक योर आइसिंग बैग और आप ऐसे करके भर लीजिए. अब इस स्टेज पे मुझे इसको ठंडा करना है. ठीक है, इसको हम ठंडा करने रख देते हैं. जब ये थोड़ा सा अंदर का फ्रॉस्टिंग दोबारा जम जाएगा फिर हम इसको निकाल के ऊपर से गनाश डालेंगे. चॉकलेट के हार्ट्स डालिए या फिर आप और मज़ीद चॉकलेट ग्रेट करके डालिए. मेरे पास स्प्रिंकल्स हैं, वो हम स्प्रिंकल्स वगैरह डाल देंगे. कुछ चीज़ों को स्टेप्स में बनाना बहुत ज़रूरी है. कुछ रेसिपीज़ जो मैं फूड डायरीज़ में सिखाती हूँ उनको आपको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आज की बिस्किट का डो है, इसको मैं सुबह से लगी हुई थी आज इसके पीछे. हार्ट्स पहले मैंने अलग से बनाए, उसको फ्रीज़ किया, फिर मैंने जो बिस्किट का वो है अराउंड इट जो है उसको टाइम लगता है कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें एक घंटे के शो में नहीं होती. दैट्स वाई मैं स्टेप्स में बना के लाती हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ. अब वो कुकीज़ को बहुत जल्दी हमें निकालना होगा. हाँ, ये प्लीज़ मुझे याद दिलाइएगा, दिस शुड नॉट ओवर बेक. ओके, अब ज़रा सांस ले लेते हैं और शुरू करते हैं. अरे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, चलें मुझे सांस लेने का टाइम मिल जाएगा. ब्रेक से आएंगे, वो वाली ट्रे निकालेंगे, इसको बेक कर देंगे, फिर आके आपको समझाएंगे. तब तक अंदर का फिलिंग भी थोड़ा सा सेट हो गया होगा, तो इसके ऊपर गनाश डालेंगे. देखें, थोड़ा सा क्रीम डाल के मैंने और इसको पतला कर दिया था बिकॉज हमें इसके ऊपर स्प्रेड करना है. ठीक है जी, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. जी, मैं यहाँ कुछ चॉकलेट के जो हमारे टाइनी चॉकलेट केक के हार्ट्स हैं ऊपर डाल रही हूँ, और गनाश थोड़ा सा मैंने डाल दिया है. बस कुछ भी तरीके से आपको इसको एक वो करना है, डेकोरेट करना है तो आप करें. ठीक है, इट्स नॉट नो हार्ड एंड फास्ट रूल के जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है. तो बस मैं यहाँ भी थोड़े से बना लेती हूँ बिकॉज देन वी हैव नो टाइम. ये आपने देखें अंदर फिलिंग भरी आपने इस तरह. ठीक है, खोल करके हो गया. फिर आपने थोड़ा सा गनाश लिया, गनाश पतला होना चाहिए. ठीक है, गनाश लिया आपने थोड़ा सा, आपने इसके ऊपर डाला. मेक श्योर थोड़ा अंदर भी जाए और ऊपर भी हो. और फिर आप स्पैचुला ले लें या इस तरह की कोई पैलेट नाइफ ले लें, उससे आप इसको पूरा ऊपर स्प्रेड करिए. और फिर आप उसको देखिएगा कि वाइट पार्ट नज़र नहीं आए. ठीक है, फिर आप ऐसे करके इसको क्लीन कर दीजिए. ये हो गया, और आप रखते जाइए और रखते जाइए. और जो भी आपको ऊपर रखना है ना, स्प्रिंकल्स हों जो भी हो, उस वक्त ही फौरन कर लीजिएगा. फिर क्या होगा कि सेट हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर वो चिपकेगा नहीं. अच्छा, बिस्किट्स भी हमारे हो गए हैं बिकॉज बहुत सारा काम है तो मेरा ध्यान इधर उधर चला जाएगा तो मेरे बिस्किट जल जाएंगे, तो मुझे बिस्किट निकालने हैं. निकाल के जाली पे रख दीजिएगा, फौरन नहीं निकालिएगा. ठीक है, और दूसरी ट्रे रख देते हैं. फिर आते हैं वापस उसी टाइनी चॉकलेट केक्स पे. ये
ये कुकी जो है, ये बिस्किट जो है, इसको आपने ठंडा नहीं किया तो ऐसा शेप नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा प्लीज। थैंक यू। ठीक है जी, ये हो गया। मेक श्योर कि ये व्हाइट पार्ट जो भी हो कवर हो जाए, फिर आप इसको स्मूद आउट कर दीजिए साइडों से भी, रखते जाइए और एक अदद हार्ट हम रख देते हैं ऊपर। किसी भी तरीके से आप उसको डेकोरेट कर दीजिए, लेकिन जस्ट डू इट ऑफ लाइक दिस। गणेश जो है ना वो बहुत थिक नहीं हो, थिक होगी स्प्रेड नहीं होगी, सो गणेश को भी पतला सा रखिए और फिर ये कर दीजिए। ठीक है जी, आई थिंक एक और की जगह है यहाँ कि नहीं है, फॉरगेट इट, नहीं है, यहाँ रख दीजिए फिलहाल। आपको दिखा देती हूँ मैं, इस तरह हमें सारे ये कंप्लीट करने हैं। सो नाउ दैट्स डन, अब हम आते हैं टू आर कुकी डो। नाउ कुकी डो के लिए 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लें या सॉल्टेड मक्खन लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये आपने डाल देना है, ठंडा होना चाहिए इसमें पूरा। फिर आपने इसमें डालेंगे चीनी, हम यूज़ कर रहे हैं ईटिंग प्योर की आइसिंग शुगर। ठीक है, ये है टोटल 120 ग्राम, ये चली गई। फिर इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस और 2 अदद जर्दियां सिर्फ, वेनिला एसेंस, 2 अदद जर्दियां और मैदा। पहले हम मैदा डाल देते हैं, 300 ग्राम मैदा, बहुत सारे कुकीज़ बनते हैं इससे, और इसको हम चला लेते हैं। फिर 2 जर्दियाँ जाएंगी, जब मक्खन पूरा टूट जाएगा और क्रम्बल हो जाएगा, ब्रेड क्रम्स टाइप हो जाएगा, ये 1 जर्दी आपने डाली पहले। ठीक है, हो गया। जब आपको लगे डो बन गया है, इस तरह हो जाए, फिर आप निकालें। अब आप निकाल के क्या करेंगे, आप निकालेंगे थोड़ा सा डो, आपको इसको ठंडा करना है। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या करना है। इसमें आप चंद कतरे सिर्फ, ठीक है, चंद कतरे सिर्फ आप इसमें डालेंगे रोज़ वाटर, अरके गुलाब है ये, और लाल रंग। ये मैं लाल रंग किसी चीज़ से खोलूं क्योंकि सुबह में पूरे मेरे हाथ लाल हो गए थे। और थोड़ा सा डालिएगा ये अंदर के पिंक हार्ट्स हैं, ठीक है, इसको आपको गूंद के अलग से रखना है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या करना है नेक्स्ट। देखें, मैदा है 300 ग्राम, 200 ग्राम पूरी टिक्की जो होती है मक्खन की वो चली गई, 120 ग्राम आप आइसिंग शुगर एक्टिव फूड वालों की ईटिंग प्योर ब्रांड की डालेंगे, 2 जर्दियां सिर्फ इसमें गई हैं और वेनिला एसेंस। पूरा आटा गूंद के आप रख लीजिए, ठीक है, ये आपने गूंद लिया। फिर आप क्या करेंगे, उसमें से थोड़ा सा आटा डो इसका निकाल देंगे, उसमें चंद कतरे लाल रंग के और अरके गुलाब के डालेंगे, ये बीच में हार्ट्स बनेंगे, समझ आ गई। ओके, ये हम करेंगे। और फिर किस तरह हम रैप करेंगे इस कुकी को और किस तरह हम हार्ट्स करेंगे, मैं आपको दिखाऊं। मैंने आपके लिए यहाँ रखा हुआ है डो थोड़ा सा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ये है डो और दोनों डोज इनफैक्ट हैं। आज बहुत सारा काम है हमारे पास, देखें इस डो को आपको ठंडा करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस डो को आप ठंडा करेंगे, इसको आप बेलेंगे, इसको बेलने के बाद मेरा वो कहाँ गया, सबसे छोटा वाला हार्ट एक है मेरे पास, यहाँ है एक छोटा सा निक्का सा मुन्ना सा हार्ट, उसको हम काटेंगे।
किया आपने, डो बना लिया, आपने डो ठंडा किया, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, नोट करिएगा। अब आप हार्ट का सबसे छोटा कुकी कटर लेते जाएंगे और इस तरह आप छोटे छोटे हार्ट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन हार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर चिपकाना है, ऐसे, एग्जैक्टली ऐसे, समझ आ रही है, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो, बीच में चीज़ें हों अगर टॉप कैमरा शायद नहीं दिखा सके, बट ये ऐसे ऐसे आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सारे हार्ट्स लगा के ना चिपकाने हैं, ये ऐसे ये चिपका दें, इसको आप फ्रीज कर दें, समझिए आपने ये फ्रीज करके निकाल दिया, ठीक है। इससे बहुत कुकीज़ बनेंगे, हाँ बहुत सारे बनेंगे, आप रोल करते जाइए, बनाते जाइए, रोल करते जाइए, बनाते जाइए। फिर जो ये डो होगा ना, ये प्लेन वाला डो, समझ लीजिए ये फ्रीजर में से निकाला है हमने, ठीक है। वो अभी कुकीज़ को थोड़ी सी टाइम है, वो मैंने अभी एक रखा हुआ था, अभी टाइम है, अभी और 5 मिनट बाद याद दिलाइएगा। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है तो फिर ज़ारना कैसे दिखाएगी ये कैसे करना है, चलिए ब्रेक के बाद। Stay tuned, keep watching Food Diaries. वेलकम बैक, एक और ट्रे हमारी आ चुकी बाहर। अब मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, आप लोगों को इस डो को ठंडा करना है फ्रीजर में, ठीक है, फ्रीज कर दीजिएगा। डो को आपने बनाया, आपने इस डो को ठंडा किया, थोड़ा सा लिया उसमें लाल रंग और थोड़ा सा अरके गुलाब डाला, हो गया। फिर आप उसको बेलिए और सबसे छोटे कुकी कटर से कोई भी शेप आप काट लीजिए, हो गया। और अगर हार्ट्स हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह कर दीजिएगा। अब आप इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज इसको मैंने अभी ठंडा नहीं किया है। बेलन प्लीज़ अगर वापस आ जाए तो शुक्रिया, मैंने वापस भेज दिया था बेलन को। इसको आपको पतले स्ट्रिप्स में काटना है यूजिंग प्रॉब्ली अ नाइफ और समथिंग, ठीक है। हार्ट्स दिखा दीजिएगा, मैंने डिफरेंट तरीकों से रख दिए हैं यहाँ, कल वाला टाइनी चॉकलेट केक्स हैं ये। नाउ ये जब ठंडा होगा तो आप उसको डील कर सकेंगे, अभी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आप लेंगे इसको, ये समझ लीजिए फ्रीज़र में से निकले हैं, ठीक है। अब आप इसको इस तरह रखेंगे और आप इसके ऊपर रैप करेंगे, इसको रैप करेंगे ऐसे, ठीक है, समझ आ गई। अब आप इसको दोबारा फ्रीज़र में रखेंगे, फिर आप उसको निकालेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आपने रखना है बिस्किट को, गोल जो पार्ट जो राउंड हुआ है वो कैसे हमने बनाया है, इससे बनाया है। आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं जी, मैं काम किए जा रही हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा मुझसे आज, क्या बात है, नंबर्स चलाइए ना, ठीक है। आपने इसको ठंडा किया और निकाला, फिर आप इसके ऊपर दोबारा ऐसे करके आप इसको बंद करके फ्रिज में रख देंगे। ये सारे के सारे आप ऐसे रखेंगे फ्रिज में, फिर आप उसको निकालेंगे, फिर आप उसको बेलेंगे, फिर आप पतले स्ट्रिप्स में काट के, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा और भी एक आध बनाना सिखा दूँ आपको, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा बनाते हैं इसलिए कि मुझे अब चिकन की रेसिपी पे भी आ जाना है। ये आपने रेड वाला पोर्शन लिया, इसको आपने बेल दिया, बेल के आपने इसके हार्ट्स काट लिए, ठीक है, हार्ट्स 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 मोर हार्ट्स ऐसे काट लिए। फिर आपने एक के ऊपर एक इसको उठा के ना आहिस्ता से चिपकाना है, ये फिर आप फ्रीजर में रखेंगे। बाज़ वक्त क्या होता है, शेप आउट हो जाता है तो आप कैंची से या छुरी से काटेंगे, लेकिन वो फ्रीज होगा तो, ठीक है। ये इसी तरह स्टैक बना के ना आप फ्रीजर में रख दीजिए, एक छोटे डब्बे में, चार छः हार्ट्स इस तरह। फिर आप
वाइट जो वेनिला वाला डो है उसको बेल दीजिए और उसके स्ट्रिप्स काट के उसके ऑल राउंड आगे पीछे लगा दीजिए। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा फ्रीज़र में से निकालिए 3 घंटे बाद, फिर स्लाइसेस में काटिए और आप इसको बेक कर दीजिए। बहुत आसान है, बनाइएगा ज़रूर। जी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जाना काफी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आज जो आप रेसिपी बना रही हैं लव डेट, बहुत एक रेस्टोरेंट में मैंने खाई थी, बहुत मजे की थी। थैंक यू, ट्राई करिएगा। लेकिन आपसे पूछे थे ऑयस्टर सॉस, ये कहाँ से मिलेगी? ऑयस्टर सॉस वहीं मिलेगा जहाँ सारे के सारे चाइनीज सॉसेज आपको मिलते हैं, हर जगह मिल रहा है। कराची में है आप? नहीं नहीं, मैं गुजरांवाला से। अच्छा, गुजरांवाला का मुझे नहीं पता कौन से सुपर स्टोर में मिलेगा या आपको कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ कराची में हर जगह मिल रहा है। और ये है कि चाइनीज सॉसेज हैं, अगर नहीं मिले ऑयस्टर सॉस तो नहीं डालिएगा, फिर आप कुछ और डाल दीजिएगा लाइक सोया सॉस, बस उसी से फिर काम चलाइएगा। क्या करूँ मैं, ठीक है? ओके, तो आज का कोई सवाल नहीं है? आज का कोई सवाल नहीं रखा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये भी हार्ट्स हो गए और यहाँ रख देते हैं, इसमें से जो कोई ठंडा होगा एक आध, फिर इसको भी रख देंगे। सो आर लिटिल स्लाइस एंड बेक कुकीज़ हमारे हो गए रेडी। ये डो को अगर मैं ठंडा नहीं करके लाती ना तो आज ये नहीं होता, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। अंदर का डो आप बनाइए और उसको आप स्टैक करिए। अब आपको लग रहा है ना कि ये सही तरह नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, जब ये फ्रीज हो जाए तब आप साइड्स को ऐसे इवन आउट कर दीजिए, ऐसे करके इवन करके काट लीजिए। ठीक है, यहाँ का भी, इस तरह का भी ऐसे करके काट लीजिए। अब ये और मज़ीद अच्छा हार्ट बन गया ना, अब आप क्या करिए, इसके अराउंड ये स्ट्रिप रैप कर दीजिए। ठीक है, फिर आप उसको फ्रीज कर दीजिए छोटे छोटे इस तरह, फिर निकालिए और फिर स्लाइसेस में काटिए और ओवन में रख दीजिए। 5 से 7 मिनट में कुकीज़ रेडी हो जाएंगे। कोई भी फ्लेवर डालिए, ऑरेंज है आजकल सीजन में तो ऑरेंज का छिलका डालिए, ऑरेंज का एसेंस डालिए, ऑरेंज का जूस डालिए, रोज़ वाटर नहीं पसंद तो कुछ और डालिए, मिंट के बना सकते हैं, ये वाला चॉकलेट का कर सकते हैं डो, और इसके साथ ये जो है अंदर का फिलिंग मिंट का कर सकते हैं, ऑरेंज का कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आप कर सकते हैं। बहुत सारी कुकीज़ मैंने आपको बनाना सिखाई हैं और इस तरह आप बनाइएगा। ठीक है जी, सो दिस इज़ आर डो। इस डो को मैं अभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, इसको आपको 1 घंटा ठंडा करना है। फिर इसमें से इतना सा पोर्शन निकालिएगा, उसमें रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब और लाल रंग डालिएगा और फिर उसको भी वापस फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर निकालिएगा, बेलिएगा, बहुत छोटे 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 हार्ट्स या जो भी आपको शेप काटना है, बीच में जो शेप आपको चाहिए वो रख लीजिएगा। ठीक है, वो रख लिया और उसके बाद आप ये वाला डो जो है उसको बेलिएगा, स्ट्रिप्स में काटिएगा और इसके अराउंड आप लगाइएगा। अगर आप छोटे छोटे इस तरह इसके हाथ से करना चाहते हैं तो आप हाथ से कर लीजिए, आप हाथ से इसको ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है, हाथ से नहीं करना चाहते, बेल के करना चाहते हैं बेल के कर दीजिए। बीच में हार्ट होना चाहिए, पूरे साइज में बिस्किट का डो होना चाहिए। फिर वो सब हो जाए रेडी तो आप इसको इस तरह रोल कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि ये अच्छा सा वो हो जाए। और फिर आप जब काटेंगे, बीच में से काटेंगे, तो फिर आपको एक एक बिस्किट में एक एक अंदर से हार्ट नज़र आएगा। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस वेरी वेल, आई होप आप लोग ये बनाएंगे, बनाइएगा और फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे तस्वीर भी ज़रूर भेजिएगा कि आप लोगों ने अंदर क्या चीज़ें फिल की थी। ठीक है, इस डो को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको आप फ्रीज़ कर दीजिए। काफ़ी अर्सा ये सारे डोज फ्रिज में रहते हैं, फ्रीज़र में रहते हैं। So you can do that. ये हार्ट्स को भी इसमें डाल देते हैं, इसको भी इसमें डाल देते हैं। सो वी आर डन विद दिस रेसिपी फॉर द टाइम बींग। और कल के जो हमारे छोटे से केक्स थे वो भी हमारे रेडी हो गए हैं, और इसके ऊपर आपको जो स्प्रिंकल्स डालना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। सो वी आर डूइंग चिकन एंड कॉर्न टूडे और स्टर फ्राइड चावल। सो सबसे पहले तिल का तेल ले लें, प्लेन रेगुलर कुकिंग ऑयल ले लें, वॉट एवर हम तो यूज़ करेंगे हमारा फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल। उसमें 1 अदद अंडा डालेंगे और उसको हम स्टर फ्राई राइस बना देंगे झटपट से। सिर्फ अंडा और हरा प्याज में डालूंगी, पहले वो कर लेते हैं फिर चिकन की तरफ आ जाएंगे। तो ये रेडी हो जाएंगे चावल, तो बीच में चिकन रख देंगे। सो सिंपल है ना, ये अंडा है और ये थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा। चावल प्लेन बॉईल करके ठंडे हैं, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं डाला है, नो नमक, नथिंग। ओके,
जैसे ही तेल गर्म हो जाए आप सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल डालें, आप ऑलिव ऑयल डालें, वट एवर यू वॉन्ट। आप इसमें एक अदद अंडा तोड़ के बस छोड़ दीजिए अंदर, भूल जाइए दो मिनट के लिए। फिर आप चावल डालिए, स्टर फ्राई कर दीजिए, ये हरा प्याज डालिए, एंड दैट्स इट। अगर आपको बेबी कॉर्न साबुत रखना है साबुत रखिए, काटना है काटिए, वट एवर आप काट सकते हैं तो फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह हो जाएगा। तुलसी है, प्याज है, लहसुन है, शिमला मिर्च है, कॉर्नफ्लावर है, चिकन का क्यूब है, चिकन है आधा किलो स्ट्रिप्स में कटे, और नमक है, ऑयस्टर सॉस है, काली मिर्चें हैं। ऑयस्टर सॉस ना मिले नहीं डालिए, एक अच्छा अपना एक उसका टेस्ट होता है, नहीं है कोई बात नहीं जी। ब्रेक की तरफ चलना है, बस अब हम क्या करेंगे ब्रेक में देखें। अंडा तो हमारा हो गया, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। ये ऐसे इसको आप स्टर कर दीजिए, इसमें आप चावल डाल दीजिए, चावलों को अच्छी तरह स्टर कर दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा सोया सॉस डाल दीजिए, और मैं इसको स्टर फ्राई करूंगी और निकाल दूंगी डिश में। आप लोग लीजिए ब्रेक और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। फिलिपा बेरी ऑलिव ऑयल चिकन एंड कॉर्न चाइनीज स्टाइल बना रहे हैं। यहाँ पानी मैंने रख दिया है, स्टॉक क्यूब जो है हमारे पास चिकन का स्टॉक क्यूब ये डाल दिया मैंने। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जब तक ये गर्म हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें सारी जो इनकी हैं। एक्टिव फूड्स वालों की जो कोको पाउडर है वो इम्पोर्टेड है मलेशिया से, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोको पाउडर्स जो हमने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इनका पानी भी है एक्टिव वन के नाम से, और ये जो इनके ड्रिंक्स हैं कूल एड, ये हैं जनाब लीची और पोमेग्रेनेट फ्लेवर के, लेमनेड इनके हैं, मिंट फ्लेवर का भी है, रेगुलर फ्लेवर का भी है। इसके अलावा एक्टिवेट, ये सारे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, रियली नाइस। और उसके अलावा ड्रिंकिंग स्ट्रॉबेरी और ड्रिंकिंग चॉकलेट बच्चों के लिए है पाउडर्स, आप दिन में दो दफ़ा दूध में मिला के उनको दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राउन शुगर है, बेकिंग पाउडर है, और कोको पाउडर, आइसिंग शुगर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। सो आप भी घर लाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा, इनकी आइसिंग शुगर बहुत अच्छी है, मैंने खुद इस्तेमाल की हुई है, आइसिंग शुगर इज़ रियली नाइस, और बहुत फाइन पाउडर्ड है, बिल्कुल भी उसमें लम्स वगैरह भी नहीं होते हैं। किसी ने याद ही नहीं दिलाया कि चूल्हा भी ऑन करना होता है, देखें ज़रा मेरे काम। और आपने प्रोमो तो देख लिया होगा, फ्राइडे का जो हमारा शो है वो स्पेशली शॉट एट PF यॉट क्लब, थैंक्स टू PF कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया और हमने वहाँ जाके शो किया। तो आप देखिएगा कि मैंने क्या वहाँ बनाया है, उसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। ओके जी, प्याज है, लहसुन है, चिकन है, ठीक है। फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, नमक है, काली मिर्चें हैं, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस है, हरा प्याज ऊपर से जाएगा, तुलसी के पत्ते हैं, और शिमला मिर्च, और ऑफ कोर्स बेबी कॉर्न, तो ये बेबी कॉर्न है। हमारे जो आज के कुकीज़ थे स्लाइस एंड बेक कुकीज़ जिसमें बीच में हार्ट्स थे वो रेडी हैं, कल वाले टाइनी चॉकलेट हार्ट्स ये वाले रेडी हैं। अंदर जो फ्रॉस्टिंग है वो इतनी स्टिकी सी फजी सी होती है, आप और मज़ीद भी अंदर डाल सकते हैं, पूरा केक भी स्लाइस करके पूरा उसको सैंडविच भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पूरा काटना नहीं है आपको तो आप क्या करिएगा, एक छोटा सा होल करके उसमें आप पोर कर दीजिएगा पतली आइसिंग की जो नॉजल होती है उसके साथ। और चावल जो मैंने अभी आपके सामने स्टर फ्राई किए थे सिर्फ फिलिपा बेरी ऑलिव ऑयल में, और हमने इसमें अंडा डाला था, हरा प्याज डाला था, बहुत थोड़ा सा सोया सॉस डाला था, वो मैंने इस तरह रख दिया है। बीच में हम चिकन निकालेंगे इसकी, ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज रेसिपीज, आप उनको ट्राई ज़रूर करिएगा। कल मैं रेड कुकीज़ बनाऊंगी, डेट एंड नट रोल्स बनाऊंगी, और लज्जत में अभी 5 बजे लाइव चिकन विद गार्लिक मशरूम, क्रिस्पी बफेलो विंग्स और गार्लिक ब्रेड सुप्रीम बनेगा। स्टॉक हमारा हो गया, इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं। यहाँ हमारी प्याज को हमें सिर्फ सॉटे करना है, कुछ भी इसको आपने ब्राउन वाउन नहीं करना है। इसमें आप लहसुन डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आप इसमें चिकन शामिल कर दीजिएगा, चिकन को आपको सॉटे करना है, ब्रेकअप कर दीजिए इस तरह, और जल्दी जल्दी उसको स्टर फ्राई कर दीजिए। चिकन को ओवर कुक नहीं करिएगा, स्पेशली चिकन ब्रेस्ट को, वरना वो हार्ड हो जाएगी कलेजी और झींगों की तरह। कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं, ये नहीं समझिएगा पकाते रहेंगे तो अच्छी सी हो जाएगी, नहीं, वो सख्त हो जाएगी एकदम। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे, नमक है बहुत बराए नाम, बिकॉज सॉसेस बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, सो एकदम बराए नाम नमक थोड़ा सा। फिर कुटी हुई काली मिर्चें, फिर आप इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे,
ऑयस्टर सॉस जाएगा, चिकन अच्छी तरह ज़रा हो जाए, कलर इसका चेंज हो जाए तो फिर हम डालते हैं इसमें। बिस्किट के डोज बनाएं तो हमेशा ठंडा करें, वरना आप उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। स्पेशली आज की बिस्किट का डो, 2-3 घंटे मैंने सुबह में पूरा डो ठंडा किया, हार्ट्स को मैंने फ्रीज़ किया 2 घंटे, फिर उसके ऊपर वो मैंने वाइट वैनिला वाला डो चढ़ाया, फिर उसको फ्रीज़र में रखा, फ्रीज़ किया हुआ मैं यहाँ ले आई, फिर मैंने काटा, फिर बेक किया। बेकिंग टेक्स नो टाइम, लेकिन ये फ्रीजिंग वीजिंग और ये सारा कुछ बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है जनाब, अब क्या जाएगा इसमें? ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस इसमें ज़्यादा जाएगा, लेकिन आप चख लीजिएगा ज़्यादा कहीं सोया सॉस नहीं चला जाए, ठीक है? अच्छा, जो हमने स्टॉक बनाया है ना पानी और चिकन के क्यूब के साथ, उसमें आप कॉर्नफ्लावर डालिए और आप इसको मिक्स कर दीजिए। ये अभी जाएगा अंदर। बेबी कॉर्न भी आप साथ साथ डाल दीजिए ताकि उसमें भी उसका फ्लेवर आ जाए। कोई ज़्यादा मसाले तो होते नहीं हैं, चाइनीज़ तो आपको पता है बिल्कुल लिटरली स्टर फ्राइंग होती है। बस सब चीज़ें तैयार करके रखें और बस खाने से पहले 10 मिनट पहले आप इसको स्टर फ्राई करके फ़ौरन उस वक्त सर्व कर दीजिए, बना के रखिएगा नहीं। चिकन काट लीजिए, सब कुछ काट लीजिए, प्याज भी बिल्कुल एंड में काटिए प्लीज़, प्याज को काट के नहीं रखते हैं, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब हम इसमें ये पानी और सूप जो था हमारा उसके साथ डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी और इसमें जाएगा, इसको आप पकने दीजिए। ब्रेक लेनी हो रिकैप वाली तो आप ले लीजिए, बिकॉज इसको बस हमें मिक्स करना है, ठीक है? ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। चाइनीज़ चिकन एंड कॉर्न। अच्छा, बोनलेस चिकन स्लाइस आधा किलो, बेबी कॉर्न 10 अदद, ओइस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 2 अदद, प्याज 1 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक हसब ज़रूरत, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हरी प्याज के स्लाइस 2 अदद, बेसल लीव्स 3 से 4 अदद, शिमला मिर्च पतली स्ट्रिप्स गार्निशिंग के लिए। तरकीब, एक बोल में कॉर्नफ्लावर में 3 खाने के चमचे चिकन स्टॉक मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिर नॉन स्टिक पैन में तेल गर्म करके लहसुन और प्याज डालकर सौते करके गोल्डन ब्राउन करें। अब इसमें चिकन डालकर चंद मिनट फ्राई करें, फिर बेबी कॉर्न डालकर चंद मिनट टोस्ट करें। उसके बाद इसमें ओइस्टर सॉस, सोया सॉस और बचा हुआ चिकन स्टॉक, नमक और कुटी काली मिर्च डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर चमचा चलाएं जब तक सॉस गाढ़ी ना हो जाए। अब इसमें हरी प्याज के स्लाइस और बेजल लीव्स डालकर मिक्स करें और चूल्हे से उतार दें। उसके बाद सर्विंग बोल में डालकर शिमला मिर्च के स्ट्रिप्स, बेजल और हरी प्याज से गार्निश करके स्टीम राइस के साथ सर्व करें। स्लाइस एंड बेक बिस्किट्स। अच्छा, मैदा 300 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर 200 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 120 ग्राम, अंडे की जर्दी 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, रोज़ वाटर आधा चाय के चमचा, रेड पिंक फूड कलर हसब ज़रूरत। तरकीब, मैदे और मक्खन को फूड प्रोसेसर में डालकर क्रम्स बना लें। अब इसमें चीनी और अंडे की जर्दी डालकर अच्छी तरह फेंट कर डो बनाएं, फिर इसे निकाल के एक तिहाई हिस्सा अलग निकाल लें। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल करके दोबारा गूंदें, उसके बाद मैदे को कलिंग फिल्म में लपेटें और कमरे के दर्जे हरारत पर छोड़ दें। अब बचे हुए मैदे को दोबारा प्रोसेसर में रोज़ वाटर और रेड पिंक फूड कलर के साथ गूंद लें, फिर इसे फ्रिज में रख दें। बनाने से 30 मिनट पहले इसे फ्रिज से निकाल लें, फिर इसे बेल कर हार्ट शेप के कटर से काटें, यहाँ तक कि सारे आटे का इस्तेमाल ना हो जाए, बनाते रहें। उसके बाद हार्ट को एक दूसरे के ऊपर लगाएं, फिर इसे कलिंग फिल्म में लपेटें और सख्त होने तक 3 घंटों के लिए रख दें। जब हार्ट सख्त हो तो अपने हाथों से मैदा बेलकर हार्ट की लंबाई में 3 सिलेंडर बनाएं। जब हार्ट के हर एक तरफ चिपक जाए तो एक मोटे सिलेंडर बनाने के लिए मिलाकर थपथपाएं। अब इसे 2 घंटे के लिए ठंडा करें, फिर एक छोटी सी मोटी डिस्क बनाएं। अब इसे अलाइन की हुई बेकिंग ट्रे में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक बेक करें। आखिर में वायर रैक पर रख के ठंडा कर लें।
फैक्ट देखें, ये यहाँ हो गया हमारा चिकन, उसमें आपने शिमला मिर्च डाल दी, ठीक है, बस आपने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा कुछ पकाना वकाना है ही नहीं, बहुत आसान था। बोनलेस चिकन ले लें या चिकन ब्रेस्ट फिले स्लाइसेस में काट के ले लीजिए, बेबी कॉर्न स्लाइस कर दीजिए, चॉप कर दीजिए, व्हाटएवर पतले स्लाइसेस करिए, मेरी तरह एक एक में काट लीजिए, कुछ भी व्हाटएवर। ऑयस्टर सॉस था, सोया सॉस था, चिकन का क्यूब पानी में डाल के स्टॉक बनाया था हमने, कॉर्नफ्लावर था, ठीक है, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल हमने पहले यूज़ किया, नमक, काली मिर्चें थी इसमें, लहसुन और प्याज था, और हरा प्याज आपने एंड में बिल्कुल शामिल करना है, उसके अलावा तुलसी के पत्ते हैं और बेबी कॉर्न मैंने रखा हुआ है गार्निश के लिए, और हरा प्याज भी एंड में जाएगा। सो बेसिकली जस्ट मिक्स अप ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स इन द एंड, चिकन बस पक जाए। और इस चिकन को आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा, देखें मैंने एक कप पानी लिया था जिसमें मैंने डाल दिया था चिकन का क्यूब और उसका स्टॉक बना लिया था, फिर उसमें मैंने एक चमचा कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अब ये हरे प्याज इसमें चले जाएंगे और इसको हम मिक्स कर देते हैं और हम डिश में निकाल देते हैं, ठीक है, ये हरी चीज़ें डाल के कोई पकाने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। अब यहाँ मैं निकाल दूँ इसको, बीच में चावल के, चावल जो हमने स्टर फ्राई किए थे, आप भी इसी तरह कर सकते हैं डेकोरेट, या आप किसी भी तरीके से सर्व करना चाहते हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे मोल्ड्स बनाना चाहते हैं चावलों के, आप वो कर लीजिए, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। ऊपर से हम बेबी कॉर्न डाल देते हैं ताकि ये नज़र आए, ठीक है जनाब, ये हो गया। अब एक दूसरे डिश में निकाल देते हैं, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए ऊपर से और सजा के पेश कर लीजिए। दिस इज़ योर चिकन एंड बेबी कॉर्न चाइनीज स्टाइल। ट्राई ज़रूर करिएगा रेसिपीज़ और हमें फीडबैक दीजिएगा, और अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करते रहें, बहुत सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों का फ़ायदा है, घर में बनाइए, साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, हाइजीनिक, नो नीड टू गो टू रेस्टोरेंट्स, ठीक है जी। ये हो गया, ये आपने एक रख दिया यहाँ, तुलसी के पत्ते जो हैं वो आप सजाने के लिए रख दीजिए, बिकॉज तुलसी के पत्ते अगर मैं अंदर डालती ना तो क्या होता कि वो बिल्कुल फौरन अंदर जाते ही कलर चेंज हो जाता है, बहुत काले लगते हैं फिर। सो दिस इज़ इट, और अलग से आप तुलसी के पत्ते जब भी यूज़ करें अच्छी तरह धोएं और उसको आप हाथ से ही इस तरह तोड़ दीजिए और रख दीजिए, ठीक है, दिस इज़ इट। आज बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे टेबल पे, आप देखिएगा, बनाइएगा रेसिपीज़, हमें फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, समीना जी आ गई हैं सामने के सेट पे और 5 बजे लाइव उनका शो है, तो रेसिपीज़ भी उनकी मैंने बता दी थी। आज का ये शो हमारा अब इख्तिताम को पहुंचा, आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।